सब अपना म्यूट कर लो। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट। हमें इशू एंड अलॉटमेंट स्टार्ट करना था आज, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इशू एंड अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि आप कैसे अपने इक्विटी शेयर्स इशू करते हो और फिर आपके शेयर्स आप फाइनली अलॉट करते हो। इशू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शेयर्स को पब्लिक इशू करना पड़ता है। दैट मींस आपको पब्लिक को बताना पड़ता है दैट यू आर इंटरेस्टेड टू इशू योर शेयर्स ऑफ योर कंपनी, और उसके बाद सामने से आपके पास शेयर एप्लीकेशंस आती हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इशू से रिलेटेड, ये आप कैसे प्रोवाइड करते हो पब्लिक को? थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की मदद से आप अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करना चाहते हो, आप ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाते हो। आफ्टर दैट पब्लिक विल अप्लाई फॉर दी शेयर्स। वो अपनी आपके आपसे शेयर्स ख़रीदने के लिए शेयर्स को अप्लाई करती हैं और उसके साथ आपको एप्लीकेशन मनी सेंड करती है। आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में, ट्वेल्थ में भी पढ़ा है ये, कंपनी अकाउंट्स में आपने ये पढ़ा है कि कैसे शेयर एप्लीकेशन के मनी के साथ लोग आपकी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप शेयर्स इशू करते हो, फिर अलॉट करते हो, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाते हो, अलॉट करते हो, फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल आप बाद में मंगवाते हो। तो बेसिकली पार्ट बी में वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद इशू एंड अलॉटमेंट। फिनेंशियल मार्केट हैव एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अ कंपनी डिसाइड्स टू इशू सिक्योरिटीज फॉर डिफरेंट रीजन। कंपनी का बेसिकली पर्पस क्या होता है सिक्योरिटीज या शेयर्स इशू करने का? उसके पीछे मकसद क्या होता है कि वो कैपिटल रेज करना चाहती है, उसे और पैसों की ज़रूरत है अपनी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब वो आपसे कैपिटल रेज कर रही है, पब्लिक से कैपिटल रेज कैसे की जा रही है? शेयर्स इशू करके। हो सकता है कोई नया वेंचर स्टार्ट करना हो, अपना नया बिजनेस एक्सपैंड करना हो, डाइवर्सिफाई करना हो, कुछ भी करने के लिए। वो आपको प्रॉस्पेक्टस में लिख के बताएगी कि वो आपसे कैपिटल रेज किस पर्पज़ के लिए कर रही है। तो द मेन रीज़न फॉर रेजिंग कैपिटल टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और मे बी फॉर स्टार्टिंग अ वेंचर, रीपेइंग डेट्स, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इट विल बी एनीथिंग लाइक दिस। उसके बाद आपका आता है दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इंडल्जेंस ऑफ इनॉर्मस इन्वेस्टर वेल्थ फॉर द सबलाइम रीजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉरपोरेट सेक्टर इसी तरह से काम करता है, इसी तरह से कैपिटल रेज करता है, इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि आप मार्केट, आप हमारी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएं, हमारी सिक्योरिटीज़ खरीदें और वो आपको प्रॉफिटेबल प्रूव होंगे। तो इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ बाय क्यों करता है? क्योंकि उसको उसके बदले में रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स चाहिए होते हैं, दैट्स वाई। तो हेयर वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहती है, ऐसा कुछ प्लान आउट कर रही है, तो दैट कंपनी सपोज टू फॉलो और कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दीज फोर एक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स टू सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो इन चारों कॉन्ट्रैक्ट को, इन चारों एक्ट को अगर आप कंप्लाई करोगे तभी आप कह सकते हो दैट यू आर एबल टू इशू सिक्योरिटीज़, एनी कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज़। तो इन चार लॉज, इन चार एक्ट्स का कंप्लायंस करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द ओवरव्यू ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, कैसे कैसे आप ओवरव्यू जानेंगे कि सिक्योरिटीज़ इशू कैसे होती है। इशूज कैन बी क्लासीफाइड एज पब्लिक इशू, राइट्स और प्रेफरेंशियल इशूज, इसको प्राइवेट प्लेसमेंट भी बोला जाता है। वाइल पब्लिक इन राइट इशू इन्वॉल्व अ डिटेल्ड प्रोसीजर, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशू आर रिलेटिवली सिंपलर, ये थोड़े आसान माने जाते हैं।
इस तरह से पब्लिक इशू किया जाता है। अलग अलग नाम बताए गए हैं इसमें कि सिक्योरिटीज़ इशू कैसे की जा सकती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए पब्लिक ऑफर है, राइट इशू है, बोनस इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। जब पब्लिक ऑफर की बात कर रहे हैं हम, तो पब्लिक ऑफर में IPO आता है और फर्दर पब्लिक ऑफर भी आता है। IPO अगर आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं पब्लिक को, उसको IPO बोलते हैं, दैट इज़ योर इनिशियल पब्लिक ऑफर। और अगर आप पहले भी पब्लिक ऑफर दे चुके हैं, पब्लिक इशू कर चुके हैं, आप दोबारा करने लगे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफर। IPO के भी, IPO भी या तो आप पहली फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली IPO जब आप पहली बार पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हो, और फर्दर पब्लिक ऑफर यानी कि पहले भी कर चुके हो आप ये चीज़। ओके, आगे हम चलते हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल कि क्या क्या ये होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं ये। ओके, आपको मैंने आपको जैसे आपको पहले भी बताया कि इशू ऑफ सिक्योरिटीज से पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को बताओगे आपके प्लान्स क्या हैं, आप जो पैसा रेज कर रहे हो उसको आप कहाँ लगाने वाले हो, क्या आपकी प्लानिंग है। यू हैव टू इन्फॉर्म एवरीथिंग टू द पब्लिक, टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, तभी वो उसके बेसिस पे, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही वो आप में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे, राइट। सो अब एक और चीज़ हम इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज़, वो सिक्योरिटीज़ इशू कैसे करती है, टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक ऑफर वो कब कर सकती है, जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, या थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है जब आप पब्लिक को शेयर्स देने में इंटरेस्टेड नहीं होते, आप कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर्स इशू करने में इंटरेस्टेड होते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। या राइट इशू करना चाहते हो या बोनस इशू, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड। हाँ जी, राइट इशू का मतलब ये होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही, आप बाहर से पैसा रेज किए बिना जिनके पास ऑलरेडी आपके शेयर्स हैं, आप उन्हीं को ये ऑफर दे देते हो कि आपके, आपको हम ये राइट देते हैं कि आप हमारे आगे के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। या फिर बोनस इशू, बोनस इशू आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, या उनको क्यों दिया जाता है, जहाँ पे आप उनसे पैसे नहीं लेते, बस उन्हें आप शेयर्स इशू कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बोनस इशू, ठीक है। और ये तो था पब्लिक कंपनी के लिए, राइट, दिस इज़ फॉर पब्लिक कंपनी। अब हम समझेंगे प्राइवेट कंपनी के लिए। अभी इन डिटेल हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहले आप थोड़ा सा इसे समझ लें, व्हाट दे मीन। हाँ जी, तो एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, जो पब्लिक को थ्रू प्रोस्पेक्टस दी जा सकती है, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट आप दे सकते हैं, या थ्रू राइट इशू और बोनस इशू दे सकते हो। फॉर अ प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज़, एक प्राइवेट कंपनी कैसे इशू कर सकती है सिक्योरिटीज़, बाय वे ऑफ राइट इशू और बोनस इशू, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट। यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इशू और बोनस इशू के थ्रू प्राइवेट कंपनी भी दे सकती है। अब इसमें आपको एक बहुत बढ़िया सी बात बताऊं, तो ऊपर हमने पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ इशू करती है टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, लेकिन आप लोगों ने पहले भी फाउंडेशन में पढ़ा है कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती, वो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती, फंड रेज नहीं कर सकती। उसको अगर पैसा चाहिए तो कंपनी वो और सोर्सेज से कैपिटल रेज कर सकती है, लेकिन पब्लिक का पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती, दैट मीन्स वो पब्लिक को पब्लिक इशू नहीं कर सकती।
आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, दोनों में प्राइवेट में दे रखा है, राइट इशू और बोनस इशू के थ्रू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, और पब्लिक कंपनी में दे रखा है प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, राइट इशू और बोनस इशू के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपका आता है द सेक्शन डील्स विद इशू ऑफ सिक्योरिटी विच आर वाइडर टर्म नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इक्विटी प्रेफरेंस और डिविडेंड। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, आई डोंट थिंक कि मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत है, आप बहुत पहले से सिक्योरिटीज़ के मतलब समझते आ रहे हैं। सिक्योरिटीज़ किसे कहते हैं, शेयर्स, स्क्रिप, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ कुछ भी हो सकती है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, इट डज नॉट मीन कि सिक्योरिटी सिर्फ शेयर्स होती है। सिक्योरिटी कोई भी इन्वेस्टमेंट फॉर्म में, किसी भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी। शेयर्स हो सकते हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हो सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती है, कोई और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नाम पे इशू किया हो, यूनिट्स हो सकती है म्यूचुअल फंड्स की, कोई सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसको किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए इशू किया गया हो, जिस पे आपको रिटर्न मिल रहा हो। आई कैन ओनली एक्सप्लेन, security means any investment which gives you return, that will come under the definition of securities. These are the examples of that. Securities includes shares and other instrument. A public company may issue any of the aforesaid securities by way of public offer, right or bonus issue or private placement. Public offer here includes IPO or further public offer of securities to the public by the company, or an offer for sale of securities to the public by an existing shareholder through issue of prospectus. इसका मतलब बहुत straight away सा है कि public company ऊपर दी हुई कोई भी securities public offer के through public को issue कर सकती है, right और bonus issue की तरह दे सकती है, के through दे सकती है, private placement के through भी दे सकती है। पब्लिक ऑफर का मतलब IPO और FPO होता है, मैंने बताया अभी आपको पहले। अगर आप पहली बार पब्लिक ऑफर कर रहे हो तो दैट विल बी योर इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एक से ज़्यादा बार आप पहले भी कर चुके हो, दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर ऑफरिंग शेयर्स और सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक, दैट इज़ कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक बाय अ कंपनी, और एन ऑफर फॉर सेल of securities to the public by an existing shareholder, ठीक है। तो आप ये offer किसकी help से दे सकते हो, prospectus। आपको पहले prospectus issue करना पड़ेगा, उसमें आपको purpose define करना पड़ेगा कि आप किस वजह से ये पैसा public से raise कर रहे हो, ठीक है। public offer का मतलब क्या है, दो चीज़ें हैं, first is IPO and further public offer of securities। आप इस point पर ये पढ़ सकते हो, पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक बाय अ कंपनी, और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो पब्लिक ऑफर का मतलब ही यही होता है कि आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएं और बदले में हम आपको फ्यूचर में उस पर रिटर्न देंगे। आपको पता है शेयर्स में पैसा लगाओगे तो बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर्स में लगाओगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, और बॉन्ड्स में लगाओगे अगेन यू विल गेट इंटरेस्ट। जिस तरह की भी सिक्योरिटीज है उस पर कोई ना कोई रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही चीज़ें बताई गई हैं कि प्राइवेट कंपनी के पास क्या पावर है, वो फंड रेज कैसे करती हैं, वो कैपिटल रेज कैसे करती है मार्केट से, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू, इनके थ्रू। और एक पब्लिक कंपनी के पास एक्स्ट्रा क्या है कि वो पब्लिक ऑफर के थ्रू भी, इन सब चीज़ों के अलावा पब्लिक ऑफर के थ्रू भी वो फंड रेज कर सकती है। और जब पब्लिक ऑफर की बात होती है तो उसमें IPO और फर्दर पब्लिक ऑफर भी इंक्लूड होता है। आई होप यहाँ तक अभी तक आपको सब क्लियर हो। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है देन यू कैन आस्क मी। मैम एक बार बोनस
इश्यू समझा दो एक बार। हाँ बेटा बता रही हूँ, वेट बेटा, बोनस इशू ये होता है कि जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में होती है और आप वैसे जो 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 सिक्योरिटीज़ आप या जो शेयर्स आप बोनस इशू में देते हो उसके लिए भी आप रिजर्व का यूज़ करते हो, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस पे प्रॉपर क्वेश्चन आता है, लेकिन बस मैं आपको अभी ये बता दूं कि बोनस इशू आप जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो तो आप उनको एक तरह का बोनस दे रहे हो, आप उनसे पैसे नहीं लेते, आप उन्हें फ्री में शेयर्स देते हो, ठीक है। आप फ्री में बोनस बोनस का कभी भी ना कुछ वापस, इट्स लाइक अ गिफ्ट। और अब सोचने वाली बात है कि कंपनी उस खर्चे को कहाँ से बियर करेगी, तो दे मेक द यूज ऑफ रिजर्व्स। अभी बोनस इशू पे प्रॉपर एक टॉपिक है इस चैप्टर में, वी विल डिस्कस देयर प्रॉपरली, और वहाँ पे मैं आपको रिजर्व्स भी एक्सप्लेन करूँगी कि वो बोनस इशू का जो खर्चा होता है जो कंपनी खुद बियर करती है वो कहाँ से फुलफिल होता है, ठीक है बेटा। आई विल गेट बैक टू दैट पॉइंट अगेन वंस वी विल रीच टू द बोनस इशू, वो आएगा अभी इसमें चैप्टर में। और किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन एल्स? मैम थोड़ी ये अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है, शायद ये मैंने पढ़ा नहीं है तो शायद। नेहा आई विल गेट बैक टू यू, मुझे अभी कुछ तुम्हारे वहां से क्लियर वॉइस नहीं आ रही। मैं आप मुझे एक मिनट, यू कैन मैसेज में जो उसमें टेक्स्ट का ऑप्शन है वहाँ पे लिख दो, आई जस्ट सी क्या डाउट आ रहा है तुम्हें। एंड प्लीज जिनके जिनको कोई डाउट नहीं है प्लीज स्विच ऑफ, अनम्यूट कर लें अपना फोन, अदरवाइज वो डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे आगे पढ़ाने में। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ सिक्योरिटी इज गवर्न्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी विच इज अ लिस्टेड एंटिटी और इज डिजायरस ऑफ लिस्टिंग इट्स सिक्योरिटी ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जस्ट हाँ जी, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब हमने ऊपर पढ़ा था क्या क्या एक्ट्स कंप्लाई करने जरूरी है अगर आप अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अगर किसी का माइक ऑन है तो बेटा प्लीज म्यूट इट, आई एम गेटिंग डिस्टर्बेंस। In case of a public company which is a listed entity is desirous of listing its security on the recognized stock exchange in India, तो issue of securities is governed by Companies Act, Securities Contract Regulation Act, SEBI Act 1992, Issue of Capital and Disclosure Requirement 2009। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोई भी public company जो अपने shares किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स लिस्ट करना चाहती है तो उसको इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के टाइम इन एक्ट्स को कंप्लाई करना ज़रूरी है, आपकी लिस्टिंग होनी भी ज़रूरी है। ज़्यादातर पब्लिक कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराता है, तो जैसे ही पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाती है तो वो एंटिटी या वो कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो आप जब अपने शेयर्स लिस्ट कराते हो तो इट मींस आप सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हो, पब्लिक ऑफर करना चाहते हो, तो आपको इन एक्ट्स को कंप्लाई करना ज़रूरी है। लेकिन ऑल इश्यूज बाय प्राइवेट कंपनीज,
अच्छा, इन केस ऑफ ऑल इश्यूज बाय प्राइवेट कंपनी द सेम इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को इन सब एक्ट्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो अपने शेयर्स ना तो लिस्ट करवा रही है और ना ही वो पब्लिक ऑफर कर रही है. एक्चुअली रीज़न क्या है इतने सारे लॉज या इतने सारे एक्ट्स को कंप्लाई कराना, क्योंकि पब्लिक कंपनी में ना आप पब्लिक के पैसे का यूज़ कर रहे हो. कल पब्लिक इंटरेस्ट में आप चीज़ें कर रहे हो या कहीं आप कुछ गलत तो नहीं करोगे पब्लिक के साथ, कहीं उनके फंड्स के साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे, तो इसीलिए सेबी एक्ट का कंप्लायंस ज़रूरी है, कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इन सब एक्ट्स का कंप्लायंस ज़रूरी माना जाता है. जबकि इस तरह के कंप्लायंसेस प्राइवेट कंपनी को करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कैपिटल पब्लिक से लेती ही नहीं है, या आप ये कह सकते हो कि ले सकती ही नहीं है. सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट empowers the SEBI to regulate the matters relating to issue and transfer of securities and non-payment of dividend by listed companies. मैंने अभी आपको बताया है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि public company those are interested in getting their shares listed on the recognized stock exchange, वो public company क्या बन जाती है, listed companies बन जाती है. और इन पब्लिक कंपनीज़ को जो लिस्टेड होती हैं, इनको इतने सारे सेबी एक्ट भी कंप्लाई करना है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कंप्लाई करना है, इनको कंपनीज एक्ट भी कंप्लाई करना है. क्यों? क्योंकि सेबी को चेक करना होता है, लुक आफ्टर करना होता है कि कहीं ये लिस्टेड कंपनीज़ कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रही डिविडेंड ना देकर, या किसी और तरह की कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रही जिससे पब्लिक के साथ कुछ गलत हो रहा हो. ओके, द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 24 प्रोवाइड्स दैट ऑल पावर्स रिलेटिंग टू ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड अदर मैटर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल और ROC एज द केस में बी. द पावर रिलेटिंग टू फॉरवर्ड डीलिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग हैज़ बिन डेलीगेटेड. मतलब अभी आप इन सबसे रिलेटेड चीज़ें आगे पढ़ोगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इन इन कंप्लायंसेस और इन इन एक्ट की ज़रूरत ही क्यों है. बस फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि सेबी का काम है पब्लिक इंटरेस्ट में क्या चीज़ें हो रही हैं या नहीं, कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो लिस्टेड कंपनीज कुछ काम तो नहीं कर रही. आप प्रॉस्पेक्टस में दिखा रहे हो, आप फंड रेज कर रहे हो इस काम के लिए और बाद में वो पैसा किसी और प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल एज पर लॉ. ये गलत है, दिस इज़ दी वायलेशन. तो आप ये सारा ओवरसी कौन करेगा, सेबी करेगी, बिकॉज इट इज़ ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी ही पब्लिक इंटरेस्ट के लिए थी, ठीक है, इन ऑर्डर टू सिक्योर दी पब्लिक इंटरेस्ट, राइट. इसलिए अब हम टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे. व्हाट इज़ प्रॉस्पेक्टस, मैंने आपको बताया है कि आपको अगर पब्लिक ऑफर करना है ना तो आपको पहले एक प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है और वो प्रॉस्पेक्टस बेसिकली एक इंफॉर्मेशन बुकलेट या ऑफर डॉक्यूमेंट है जो आप पब्लिक को इशू करके ये दिखा रहे हो कि आप हमारे यहाँ पे पैसा लगाएं, हम आपके पैसे का यहाँ यूज़ करेंगे, हमने आज तक कितना व्हाट वाज दी कंपनीज फिनेंशियल पोजीशन पास्ट में, वो सब भी आप दिखाते हो प्रॉस्पेक्टस में और उसमें आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट इस डॉक्यूमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि आप पिछले कितने साल से रेगुलर डिविडेंड देते आए हुए हो और क्यों पब्लिक या फिर क्यों इन्वेस्टर आपकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें. तो इट इज़ रेफर टू एन इंफॉर्मेशन बुकलेट और डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ एन इशुअर कंपनी. इशुअर कंपनी कौन है जो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है या फिर जो द कंपनी हु वॉन्ट्स टू रेज द मनी, जो फंड रेज करना चाहती है उसी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया है, वो एक इंफॉर्मेशन बुकलेट प्रोवाइड करती है और ऑफर डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इश्यूअर कंपनी की सिक्योरिटीज़ में. एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 एनी डॉक्यूमेंट जो कि आपने इशू किया हो प्रॉस्पेक्टस बोलकर
वो प्रोस्पेक्टस कहलाता है. इट इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी. प्रोस्पेक्टस डेफिनेशन में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आता है, ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी आता है, या कोई नोटिस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट भी आती है जिसके अकॉर्डिंग आप पब्लिक से अपील कर रहे हो या पब्लिक को ऑफर कर रहे हो कि आओ और हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और हमारी कंपनी के सिक्योरिटीज़ खरीदो. रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन. अब ये टाइप्स बताए जा रहे हैं प्रोस्पेक्टस क्या क्या तरह के होते हैं. ऊपर हमने पढ़ा ये एक बेसिकली डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन बुकलेट है, नोटिस है, सर्कुलर है, एडवर्टीजमेंट है या कोई और डॉक्यूमेंट है जो ऑफर इनवाइट कर रहा है या फिर वो पब्लिक को ऑफर दे रहा है कि आओ और हमारी कंपनी के सिक्योरिटीज़ आप बाय करो. मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टस तरह तरह के होते हैं जिसमें एक प्रोस्पेक्टस कहलाता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. इट मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स. आपको पता है जब प्रोस्पेक्टस में ना बेसिकली कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है और वो कितने प्राइस का, एक शेयर कितने प्राइस का है, वो सब भी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है. अगर आप एज अ इन्वेस्टर और एज अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर्स और सिक्योरिटीज़ ऑफ एनी कंपनी, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बाय करते हो. जैसे कि अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर 100 रुपये का है, ठीक है, तो आपने 10 लाख उनकी उन्होंने इशू किया है कैपिटल, इतना इशू कैपिटल उनका इतना है, और आपने उसमें से 10,000 में से आपने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो आपको कितने पैसे देने हैं. इट डिपेंड्स कि कितने वैल्यू का वो शेयर ऑफर कर रहे हैं, राइट. लेकिन रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली वो प्रोस्पेक्टस है जहाँ पे कंपनी अपने कितने सिक्योरिटीज़ वो इशू कर रही है और किस प्राइस पे इशू कर रही है, ये डिटेल्स पूरी नहीं देती. बिकॉज़ वहाँ पे आपको एक तरह से प्रोस्पेक्टस भेजा जाता है, कंपनी की डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स, पास्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ दी होती है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर्स पूरे कंप्लीट नहीं होते. कौन से पर्टिकुलर्स इनकम्प्लीट डाल के भेजा जाता है या ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिसमें ना तो ये बताया जाता है हम कितनी सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं और किस प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं. इसके पीछे मकसद होता है वो ये जानना चाहता है कि एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर उस कंपनी में कितने शेयर्स खरीदने का इच्छुक है, सो दैट आप आइडिया से और कंपनी की रेप्यूटेशन और गुडविल के बेसिस पे आपको क्या लगता है कि उनकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस क्या होना चाहिए, ये जानने के मकसद से ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें जानबूझ के दे डज नॉट कंप्लीट द पर्टिकुलर्स कि आप आइडिया लगा के. अब उससे उनको ये इवैल्यूएशन करने में आसानी हो जाती है कि उनकी सिक्योरिटीज़ की मार्केट में कितनी डिमांड है. नेक्स्ट इज़ योर शेल्फ प्रोस्पेक्टस. ओके, इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसे आप बार बार, अगर सोचो, ये बेसिकली शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो कंपनी इशू करती है जो कंपनी एक से ज़्यादा बार या एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड में बार बार पब्लिक इशू करने वाली हो. तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस शुरू में ही एक बार इशू कर दिया जाता है, और अगर मैं अभी कुछ ड्यूरेशन में, लेट सपोज 1 साल में दोबारा पब्लिक इशू करूँगी, तो मुझे दोबारा फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम इसे लाइन को पढ़ें तो वी विल अंडरस्टैंड इट इज़ अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज़ और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग देयर इन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू. देखो मैंने आपको बताया ना, जिस तरह की सिक्योरिटीज़ मैंने पहले इशू करी थी वही उसी तरह की सिक्योरिटीज़ मैं कुछ टाइम के अंदर दोबारा इशू कर रही हूँ ओवर अ सर्टेन पीरियड. तो उस केस में कंपनी को बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अब आप मुझे ये पूछोगे कि मैम अगर 6 महीने पहले मैंने पब्लिक इशू किया, 6 महीने बाद मुझे दोबारा पब्लिक इशू करना है,
और अगर मैं प्रोस्पेक्टस नहीं दे रही कंपनी, अगर प्रोस्पेक्टस दोबारा इशू नहीं कर रहा क्योंकि उसने फर्स्टली शुरू में ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ना कि 6 महीने में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उस कंपनी में लॉ का कंप्लायंस ये कहता है कि आपको दोबारा से शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जमा करा दोगे आरओसी के पास। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का मतलब है जब आपने फर्स्ट टाइम इशू किया और फिर जब आपने दोबारा इशू किया, उस दौरान अगर कोई आपने एसेट बाय किया, कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है, किसी भी तरह का फिनेंशियल चेंज आया है फिनेंशियल पोजिशन में, आप उसका ब्यौरा उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में दोगे। दैट मीन्स यू नीड नॉट टू टेल अगेन एंड अगेन एवरीथिंग अबाउट योर कंपनी। वंस यू इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर इशूइंग योर सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर आप मीन वाइल कुछ टाइम के अंदर दोबारा शेयर सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, तो आपको दोबारा से, अगर सोचो 6 महीने में आपने दोबारा से इशू कर रहे हो सिक्योरिटीज़, तो आपको दोबारा प्रॉस्पेक्टस इशू देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉ कहता है कि आप प्रॉस्पेक्टस बेसिकली इसलिए इशू करते हो क्योंकि आप इन्वेस्टर को बता सको आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी की पोजीशनिंग क्या है, फिनेंशियल पोजीशन क्या है, पास्ट में क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स रही हैं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी रही है, कितना डिविडेंड, वो सब तो नहीं, लेकिन जो पिछले 6 महीने में, अगर फर्स्ट इशू के बाद सेकेंड इशू आप 6 महीने में कर रहे हो, तो उसमें जो भी बदलाव आया है उसके लिए आप दोबारा प्रॉस्पेक्टस इशू किए बिना आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में ये डिटेल्स देकर जमा करा सकते हो। दैट मीन्स आप पब्लिक को वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली हमें ये समझ आया, प्रॉस्पेक्टस एक नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट है जो ऑफर इनवाइट कर रहा है पब्लिक से कि आओ और हमारी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाओ। ये नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट आपका प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटिंग टू दिस टॉपिक जो हम अभी कर रहे हैं? नो वन? हेलो, किसी को कोई डाउट नहीं? हाँ जी मैम। किसी को कोई डाउट है प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड? नो मैम। ओके रिया, शुभम, किसी को कोई डाउट नहीं है? काशान, ओके आई अज्यूम ठीक है। मैटर्स टू बी स्टेटेड इन दी प्रॉस्पेक्टस, क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या मैटर आपको प्रॉस्पेक्टस में इशू या स्टेट करने होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 सबसेक्शन 1, एवरी प्रॉस्पेक्टस शेल स्टेट सच इंफॉर्मेशन एंड सेट आउट सच रिपोर्ट्स ऑन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, वन मोर थिंग, आप लोग ना एक चीज़ ऊपर लिख लीजिए, ये जहाँ पे शेल्फ प्रॉस्पेक्टस लिखा है ना, इसके आगे आप लिख लीजिए विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रॉस्पेक्टस के आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कंपनी हैज टू, द कंपनी हैज टू इशू द कंपनी हैज टू इशू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम The company has to issue information memorandum in relation to any change of financial position of the company between
बिटवीन फर्स्ट इशू एंड सबसीक्वेंट इशू ऑफ सिक्योरिटीज, बिटवीन फर्स्ट इशू एंड सबसीक्वेंट इशू ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि आपकी इसमें अभी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से रिलेटेड कुछ दिया नहीं हुआ, तो हम उसको समझ के यहीं पे चलेंगे। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जमा कराना इज सफिशिएंट, शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो बस एक ही बार इशू सबमिट होता, इशू होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा आगे आपका आ रहा है फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, व्हाट आर दी मैटर्स टू बी स्टेटेड। हमने इसमें पढ़ा सेक्शन 26 सबसेक्शन 1, ये कहता है एवरी प्रोस्पेक्टस शेल स्टेट, जस्ट एवरी प्रोस्पेक्टस शेल स्टेट such information and set out such report on financial information as specified by SEBI in consultation with central government. SEBI आपसे जो जो information as per SEBI act बताया हुआ है कि अगर आप public issue कर रहे हो और आप prospectus issue कर रहे हो, as per public issue के लिए आपको prospectus issue करना mandatory है, तो SEBI ने अपनी guidelines में बताया हुआ है कि क्या क्या information आपको prospectus में mention करनी है, और ये डिसाइड सेबी ने विद कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट बताया है, ठीक है, ओके। इसमें बेसिकली और कुछ है नहीं, कुछ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। वैसे कुछ बुक्स में अगर आप सीए आईसीए का स्टडी मटेरियल देखें तो उसमें पूरे बहुत सारे मैटर्स बताए हुए हैं दैट सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हमने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में पढ़ लिया है अभी पीछे भी कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस कैसे है। बेटा इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है, एंड इस पर केस स्टडी बन के भी आ जाती है, तो जस्ट मार्क इम्पॉर्टेंट। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, इसका मतलब सिंपल सा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी एक ही तरह का, अगर एक बात ध्यान से रखना सुनना कि अगर आप आज पब्लिक इशू कर रहे हो और 6 महीने बाद आप दोबारा पब्लिक इशू कर रहे हो, लेकिन जो आपने इस बार सिक्योरिटीज़ इशू करी है और 6 महीने बाद जो सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है वो सेम क्लास की सिक्योरिटीज़ नहीं है, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस वहाँ पे इशू नहीं होता, आपको नॉर्मल जनरल प्रोस्पेक्टस ही इशू करना पड़ेगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटी और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग देयर इन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। यानी कि ये वो प्रोस्पेक्टस है जहाँ पे आप एक ही तरह की सिक्योरिटीज दोबारा इशू करते हो विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको दोबारा फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको सिंपल टर्म्स में ये बोल सकते हो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज़ अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक। यानी कि बार बार आप दोबारा आपको इशू करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत है अगर आप मल्टीपल पब्लिक ऑफर करने वाले हो सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ को। पिछली बार भी आपने ये, मैंने एक साल के अंदर 2 या 3 बार मैंने शेयर्स इशू किए और सेम क्लास के ही शेयर्स इशू किए हैं, तो मैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करके, कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक फंड पब्लिक ऑफर कर सकती है। इशूअर इज़ परमिटेड टू ऑफर एंड सेल सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक विदाउट अ सेपरेट प्रोस्पेक्टस फॉर ईच एक्ट ऑफ ऑफरिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड। पहले तो आप ये लाइन मार्क करो, इट इज़ अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटीज़ और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ इंक्लूडेड देयर इन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशूज ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस सिंगल प्रोस्पेक्टस है मल्टीपल पब्लिक ऑफर्स के लिए, और इशूअर
को अलाउड है। इशूअर का मतलब यहाँ पे कौन सा है? इशूइंग कंपनी, जिस कम जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। इशूअर का मतलब है इशूइंग कंपनी, जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। पब्लिक कंपनी इज परमिटेड टू ऑफर एंड सेल सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बिना बिना बार बार दोबारा से अलग से प्रॉस्पेक्टस इशू किए बिना आप अलाउड है, आप ऑफर एंड सेल कर सकते हैं। अंडर द एक्ट एनी क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनी एज द सेबी में प्रोवाइड बाय रेगुलेशन इन दिस बिहाफ मे फाइल अ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन है? आपको वैसे अगर शेल्फ प्रॉस्पेक्टस नहीं भी होना तो जब भी आप प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रार के पास ना उसकी एक कॉपी फाइल करनी होती है। और यहाँ पे भी जब आप शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हो, क्योंकि रजिस्ट्रार पहले चेक करता है कि आपने प्रॉस्पेक्टस में क्या मेंशन किया है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है और या वो उसे ओके कर देगा, देन यू कैन एबल टू प्रोसीड फर्दर। तो आपको सबसे पहले शेल्फ प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना है। सच प्रॉस्पेक्टस टू बी सबमिटेड एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर। आपको पता है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस तो पहले जो बिल्कुल साल के शुरुआत में आप पहली बार जब शेयर इशू करने लगे हो तभी आपको इशू करना होता है, तो आपको सबमिट भी आरओसी के पास तभी करना होता है। विच शेल इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस की वैलिडिटी है एक साल की। इसका मतलब क्या है, एक साल के अंदर आप जितनी बार सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज सेल करना चाहते हो, इशू करना चाहते हो, कर सकते हो विदाउट विदाउट इशूइंग सेपरेट प्रॉस्पेक्टस अगेन एंड अगेन। द वैलिडिटी पीरियड, ये पॉइंट पहले मार्क कर लेना। सच प्रॉस्पेक्टस का मतलब यहाँ पे क्या है, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, वो आपको सबमिट कब करना है, जब आप पहली बार सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो एक पर्टिकुलर ईयर में। विच शेल इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच प्रॉस्पेक्टस। वैलिडिटी पीरियड कब शुरू होती है, जब आपने फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड और सबसीक्वेंट ऑफर। जब आप इसी एक साल के दौरान, क्योंकि आपको पता है आपका शेल्फ प्रॉस्पेक्टस एक साल के लिए वैलिड है, जब आप सेकेंड या उसके बाद और सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो इस एक साल के अंदर, तो आपको अलग से प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, बेटा ये मैंने ऊपर आपको लिखवा भी दिया है बट आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो, क्योंकि अगेन द क्वेश्चन इज प्रॉस्पेक्टस से ही तो कंपनी की पोजीशनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पोजीशन का पता चलता है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी लॉसेस में चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि उसके मैक्सिमम एसेट्स पे चार्ज क्रिएट हो रखा है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है कंपनी को, जिस भी कंपनी ने शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर रखा है, अगर वो एक साल के अंदर दोबारा सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो उसको दोबारा प्रॉस्पेक्टस जमा कराने की तो ज़रूरत नहीं है, पर उसको क्या फाइल कराने की ज़रूरत है, मटेरियल फैक्ट्स अपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू, जिसमें नए चार्जेस क्रिएट हुए हैं, अगर तुम्हारे किसी और एसेट्स पे चार्जेस क्रिएट हुए हैं, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बदलाव आया है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफर टू दी जो अभी तुम ऑफर कर रहे हो सिक्योरिटीज़ का, और उससे पहले जब आपने शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू किया था उस दौरान आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी। इस दौरान इफ़ देर इज़ एनी चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, दैट मटेरियल फैक्ट यू सपोज टू फाइल इन अ शेल्फ यू हैव टू नोटेड एंड यू हैव टू इन्फॉर्म्ड और यू हैव टू इंटीमेट इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, या किसी इसी तरह के कोई और चेंजेस आए हों वो भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आपको दिखाने हैं, और आपको ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जमा कराना है विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ठीक है, यानी कि सेकंड और सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का मतलब होता है बाद में कोई भी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ अगर आप कर रहे हो शेल प्रॉस्पेक्टस के नाम पे, तो उस दौरान कोई भी बदलाव आए हैं तो आपको वो सब आपको रजिस्ट्रार के पास जमा कराने हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शेल बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म PAS 2, और उसको रजिस्ट्रार के पास जमा कराना है फीस के साथ एक महीने के अंदर अंदर प्रायर टू द इशू ऑफ दूसरा या सबसीक्वेंट ऑफर करने से एक महीने पहले आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जमा करवाना है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। आपको कंपनी को सॉरी आपको पब्लिक को कुछ नहीं देना, यू हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है।
उसके बाद आपका आ जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमने ये समझा था, ये वो प्रोस्पेक्टस है जहाँ पे क्वांटम एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, यानी कि ये प्रोस्पेक्टस पूरा फिल्ड प्रोस्पेक्टस नहीं होता या पूरा कंप्लीट कंप्लीट प्रोस्पेक्टस नहीं होता। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंटेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द कंपनीज ऑपरेशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स बट डज नॉट इंक्लूड की डिटेल्स ऑफ द इशू सच एज इट्स प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। ठीक है, यानी कि ये वो प्रॉस्पेक्टस है जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में पता चल जाएगा, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, पर क्या बातें इसमें नहीं बताई हुई होती कि इनका ये कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं और किस प्राइस पे ये शेयर्स इशू कर रहे हैं। दे डू नॉट कंप्लीट दीज पर्टिकुलर्स। अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मे इशू अ रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सच कंपनी प्रपोजिंग टू इशू अ रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस शेल फाइल इट विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ द ऑफर। यानी कि ये वो कंपनी है जो सिक्योरिटीज ऑफर करना चाहती है और ये प्रॉपर पूरा कंप्लीट प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, और आपको पता है आपको प्रॉस्पेक्टस इशू चाहे रेड हेयरिंग हो या नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस हो, उससे पहले उसको एक बार रजिस्ट्रार के पास जमा कराना पड़ता है, ही हैज़ टू चेक एवरीथिंग। ठीक है, तो रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस से कंपनी ये जानना चाहती है, जांचना चाहती है कि इन्वेस्टर कितना उनकी कंपनी पर रिलाई करते हैं और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितने शेयर्स वो चाहते हैं मार्केट में इशू हो, या फिर वो ये चाहते हैं किस प्राइस पे, वो जानना चाहते हैं वो उस प्राइस क्वांटम को या क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज़ को, या फिर कितने प्राइस में बेचना चाहिए उनका शेयर, बिकना चाहिए, ये जानने के लिए वो रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। ठीक है, अ रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस शेल कैरी द सेम ऑब्लिगेशन। सेम उसी तरह से रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस को कंसीडर किया जाता है जैसे कि नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस में जो जो क्लॉजेज या ऑब्लिगेशंस होते हैं वही आपके रेड हेयरिंग में भी एप्लीकेबल है। कोई भी वेरिएशन बिटवीन द रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस एंड प्रॉस्पेक्टस शेल बी हाईलाइटेड एज वेरिएशन इन द प्रॉस्पेक्टस। अगर रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस और जो बाद में जो प्रॉस्पेक्टस कंपनी इशू करती है उसमें कोई फ़र्क होता है, कोई चेंज होता है, तो सेकेंड वाले प्रॉस्पेक्टस में, नॉर्मल वाले प्रॉस्पेक्टस में उसको हाईलाइट किया जाता है। जैसे ही ये ऑफर क्लोज होता है, प्रॉस्पेक्टस स्टेटिंग देयर इन द टोटल कैपिटल रेज, और बाद में वो ये चीज़ बताते हैं कितना कितना कैपिटल रेज हुआ है। ठीक है, एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़ और किस प्राइस पे हुआ है, जो डिटेल्स रेड हियरिंग में नहीं दी होती। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एनीवन?